वक्त पर चौकन्ना हो गए अखिलेश यादव, वरना सुल्तानपुर में चारों खाने चित्त होती सपा। भीम निषाद करने वाले थे खेल, लेकिन बन गए रेल। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त होने वाली थी। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा खेल होने वाला था, लेकिन वक्त पर भंडा फूट गया और गेम सेट करने वाले शख्स का गेम बच गया। जी हां, इस वक्त समाजवादी पार्टी की जो सीट सबसे अधिक चर्चा में है, वो सीट है सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आई सपा के पूर्व प्रत्याशी भीम निषाद की फोटो ने काफी कुछ खोल कर रख दिया है। खुद भीम निषाद ने साफ कर दिया है, उनके पुराने रिश्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं, वो अभी सपाई हैं। अगर अखिलेश यादव ने उनका टिकट वापस न किया तो भीम निषाद क्या करेंगे, ये खुद भीम निषाद से सुन लीजिए। जो अफवाह चल रहा है, कल से मेरे खिलाफ जो अफवाह चल रहा है, मेरी बेटी की शादी है और कार्ड देना कोई गुनाह तो है नहीं। बाबा जी से मेरे पुराने संबंध जब राजनीति में नहीं था तब से है। मैंने जमुना जी की जमानत जब करा रहा था तो बाबा जी ने मदद किया था, एक वकील हमको दिए थे और तब से संबंध मेरा बरकरार रहा। मैं कभी बाबा से मिलने नहीं गया आज तक का, और उसके बाद कार लेके गया तो हमने कहा कैसे जाऊं, तो रितेश पांडे जी मुझे लेके गए तो कोई गुनाह तो है नहीं। अब और समाजवादी हूं और रहूंगा, मानी जी जो भगा देंगे तो अलग बात है, बेटा चला जाऊंगा। अभी तो आश्वासन है कि आज हो सकता है टिकट घोषणा कर दे, हमारा कर देंगे तो मैं कहां भाग रहा हूं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भीम निषाद का टिकट काटकर पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद को प्रत्याशी बना दिया। जब भीम निषाद का टिकट कटा था उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया थी, वो खाटी समाजवादी है, घाट घाट का पानी पीकर सपा में आए हैं, अब कहीं और जाने का तो सवाल ही नहीं है। जी, हमारी भी पार्टी है और हम अखिलेश जी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उनके जो है अनुयायी हैं, उनका जो निर्णय होगा वो हमको स्वीकार है। हमने एक शब्द कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी है, मैं हर घाट का पानी पी के तब पार्टी में आया हूँ और जीवन मरण सब नहीं बीतेगा, छोड़ूंगा नहीं। अब मानी जी को किसी ने गलत मैसेज किया है और मानी जी को सीट चाहिए तो यहाँ की जनता से पूछ लें, सर्वे कराएं, नेताओं को छोड़ें जो दूसरे टाइप के हैं वो इशारा ही समझेंगे, अच्छे लोगों से पता जानकारी लें कि भीम चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा। वहीं अब तस्वीर एकदम बदल उठी है। सपा के एक कद्दावर नेता ने बातचीत में एनडीटीवी भारत को बताया कि अखिलेश यादव को सब कुछ पता चल गया था, वक्त से पहले गेम लीक हो गया था। नेताजी की माने तो इसीलिए सुल्तानपुर में अखिलेश यादव ने टिकट परिवर्तन कर दिया। वैसे तो सुल्तानपुर चुनावी समर से तो साइकिल गायब करने का प्लान था। पर्चा खारिज होता या फिर पर्चा वापस, नेताजी के दावे में कितना दम है ये तो समाजवादी पार्टी जाने। वैसे सियासत में कुछ भी संभव है, टिकट कटने के बाद दल बदल का फार्मूला तो पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।